आप हर किसी से ये कहावत तो सुनी ही होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और काफी हद तक ये सही भी है। इसमें ढेर सारा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स है जो वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, और यहाँ तक कि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इतने प्रभावशाली होते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करते हैं। आपको आज हम कुछ एप्पल से जुड़े ऐसे राज बताएंगे जिससे आप शायद एप्पल खाना छोड़ेंगे नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बार सोचेंगे जरूर। चलिए अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एप्पल के बीज यानी कि सीड्स जहरीले होते हैं। एप्पल के बीज में एमिग्लेनिन नाम का पदार्थ होता है जो साइनाइड में तब्दील हो जाता है जब हम इसे चबाते हैं। अब ये जानकर तो हम अब एप्पल के बीजों से दूर ही रहेंगे। एप्पल के एक या दो बीज खाने से आप मरोगे नहीं, लेकिन इससे आपके सेहत पर असर जरूर पड़ेगा। चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी और पेट दर्द, ये सब हो सकता है। अगर आपने ये बीज सिर्फ निगल लिए तो डरने की बात नहीं, लेकिन अगर ये चबाए हैं तो सावधान। एप्पल वैक्स से लिपटा हुआ होता है। एप्पल एक नेचुरल वैक्स से लिपटा हुआ होता है जिससे इसके डीलर्स निकाल देते हैं और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वैक्स से कवर करते हैं, जो ज्यादा हानिकारक होता है। ये इसलिए जिससे एप्पल्स अगर पुराने भी हो तो भी चमकदार और ताजा दिखते हैं। आप कभी भी ऐसे वैक्स्ड एप्पल को बाहर से देखकर बता नहीं पाएंगे कि वो ताजा है या नहीं। इससे खाने से सांस लेने में तकलीफ होती है, अल्सर्स और इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो अगर आप एप्पल खाने के बाद बेचैनी महसूस कर रहे हो तो ये इसी वैक्स की वजह से है। बहुत से एप्पल बेचने वाले इस वैक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत से ब्रांड्स इसे नहीं इस्तेमाल करते। अब बिना वैक्स के कोटिंग वाले एप्पल्स आपके एरिया में कौन बेचता है, ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। एप्पल्स में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स की मात्रा होती है। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप के अनुसार 5 सालों से लगातार एप्पल नंबर 1 पोजीशन पर है। और जानते हो किस बात के लिए? सबसे अधिक पेस्टिसाइड्स पाए जाने फलों के लिए। और एप्पल्स के वैक्स में लिपटे होने के वजह से ये पेस्टिसाइड्स को आसानी से धोकर साफ भी नहीं कर पाते। एक बेटर ऑप्शन है ऑर्गेनिक एप्पल्स, लेकिन ये शायद आपके जेब पर भारी पड़ सकते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। अनपेस्टराइज्ड एप्पल जूस। अनपेस्टराइज्ड एप्पल जूस या एप्पल सिडर विनेगर से आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति या प्रेग्नेंट औरतें अनपेस्टराइज्ड एप्पल जूस से दूर ही रहे, लेकिन पेस्टराइज्ड जूसेस से आपको हानि नहीं होती। ज्यादा एप्पल्स खाने से वेट लॉस नहीं होता। एप्पल्स में शुगर और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जिससे पचाना इतना आसान नहीं, और ये इतना एनर्जी देता है कि आपके बॉडी को ये काफी हो जाता है, और इससे आपके शरीर की चर्बी का उपयोग नहीं होता और ये घटती नहीं। और एप्पल के फाइबर कभी कभी गैस की समस्या भी देते हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान से माप तोल कर ये एप्पल खाए अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो। तो देखा दोस्तों, ये थे कुछ एप्पल से जुड़े राज जो आपको शायद ही मालूम था। हम आपको ये नहीं कह रहे कि एप्पल ना खाए, लेकिन जरा सावधानी से खाए, उचित प्रमाण में खाए, उनके बीज को हटाकर खाए और एप्पल के छिलके को निकालकर खाए। अगर आप ऑर्गेनिक एप्पल्स खरीद सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप एप्पल के वैक्स का कोटिंग को भी निकाल सकते हैं और कुछ देर तक गर्म पानी में भिगा कर रखकर ठंडे पानी से धोकर बेकिंग सोडा या नींबू पानी से आप भी एप्पल के वैक्स को निकाल सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।